जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 14 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुछ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31 तक पहुंच गई है। इससे 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। 2 लोग खरगोन के नूर मोहम्मद और आसन गांव के ललित पाटीदार कोरोना की जंग को जीत कर इंदौर से स्वस्थ होकर खरगोन लौट चुके हैं। आज कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 3 गोगांव के जो उमरा से लौटे थे, एक झिरनिया मारूगढ़ का है जो इंदौर से लौटा था, वही 8 मरीज खरगोन शहर के हैं, जिसमें रहीमपुरा, वल्लभ नगर और पुरानी सब्जी मंडी का एक एक मरीज है। 5 मरीज सहाकार नगर के हैं, 1 मरीज करही का है, 1 मरीज पिपलिया का है। साथ ही 14 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ गई। प्रशासन के सभी क्षेत्रों को सील कर सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। सभी 14 मरीजों को खरगोन में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज के लिए लाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा रखा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज कुछ और पॉजिटिव रिपोर्ट आई, मरीजों कितने मरीजों की आई है, क्या हिस्ट्री बताइए। देखिए, आपका कहना सही है कि आज जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 12 मरीज पॉजिटिव आए हैं, और इस 12 जो पॉजिटिव मरीज आए हैं इसमें से एक झिरनिया का है जो मारूगढ़ का रहने वाला है। इसकी हिस्ट्री यह है कि ये इंदौर गया था, इंदौर का इसकी ट्रेवल हिस्ट्री है। 3 अपने गोगांव के हैं, और ये जो 3 गोगांव वाले हैं ये सब उमरा वाले हैं, तो ये वहाँ से इन्फेक्शन लेके आए। अब इसमें अपने 8 खरगोन के हैं, 8 खरगोन में अपने, मतलब एक रहीमपुरा का है, एक बल्लभ नगर का है, एक पुरानी सब्जी मंडी का है, और बचे हुए अपने सहकार नगर के हैं। और ये संभवतः ये जो सहकार नगर के पुराने पॉजिटिव निकले थे उनके जाने अनजाने में संपर्क में रहे हैं, उससे ये संभवतः फैले हैं। अब तक मरीजों की संख्या कितनी होगी सर? 12 और ये 17। देखिए, पहले 17 थी, आज 12 है, कुल मिला के 29 मरीज हमारे पास हो गए हैं। और अभी मेरे पास सूचना आई है कि जो ये मरीज हैं गोगांव के और खरगोन के, ये यहीं आ रहे हैं, तो हम उनकी जांच करेंगे और अधिकांश मरीज को जो सीरियस नहीं है उनको यहाँ भर्ती करेंगे, और जो सीरियस हुए उनको आगे के इलाज तो आगे भेजा जाएगा। मतलब अब यहीं खरगोन में इलाज हो रहा है? नहीं, अब अपने यहाँ कोरोना वार्ड चालू हो गया है, अपन ने स्टाफ और डॉक्टर नियुक्त कर दिए हैं, पूरी सुविधाएँ जुटा ली हैं, तो अपन माइल्ड और मॉडरेट जो केस हैं उनको यहीं रख रहे हैं, और जो सीरियस केस हैं जिनको मतलब उच्च इलाज की जरूरत पड़ती है उनको अपन इंदौर भेजे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।